तो हम लोगों ने मसाला बनाकर एक बर्तन में डाल दिया ताकि इसको आसानी से हम लोग लगा सकें, और हम लोगों ने बर्तन बिल्कुल फिट कर दिया। अब हम इसको लगाते हैं। तो गाइस हम लोग दुकान पर पहुंचे, यहाँ पर देखा तो बच्चे माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने कितने बच्चे हैं, 28-29 साल की उम्र है, और ये लोग जी खेल रहे हैं पिट्ठू ग्राम। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे उम्मीद है तुम सब खैरियत से होंगे। आपका भाई चांद मलक चौधरी, आज आपका भाई ने की सहरी रोजा रखा, रोजा रखने के बाद फजर की नमाज अदा की, फजर की नमाज अदा करने के बाद हम लोग गए सो, जिसकी वजह से मेरी आंखें लाल हो गई हैं, और अब हम लोग उठ चुके हैं। अब हम लोगों ने कुछ घर में छोटे छोटे काम करने हैं, वो करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि शो पर जाना है, क्या करना है, तो फिर हम मिलते हैं। तो गाइस हम लोग इसके बाद पहुंचे सब्ज़ी में, सब्ज़ी हमारी सारी ख़राब हो चुकी थी, जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि यानी कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि जी बारिश बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि सारी सब्ज़ी चिकड़ो चिकड़ी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो चुका है इसमें, और पानी ज़्यादा मकदार में हो चुका है। और आप लोगों को मैं लहसुन की हालत दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि सारा लहसुन बिगड़ गया है, यानी कि बिल्कुल ख़राब हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन इसका एक तो कद बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हवा पड़ने पर ये ख़राब हो गया, और ये पालक वगैरह निकल रही थी वो भी पानी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, वो छोटे छोटे बिल्कुल पौधे होते हैं जो ख़राब हो गए हैं। तो बाकी तो माशाल्लाह चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये पानी जो खड़ा हुआ है ना, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होना होता है वो तो होना ही होता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया है, बारिश पड़ने की वजह से हर चीज़ सब्ज़ हो चुकी है, इसके अलावा सारा माशाल्लाह सड़कों पर चिकड़ो चिकड़ी हो चुकी है, गांव वालों की ज़िंदगी तो बिल्कुल चिकड़ो चिकड़ी हो जाती है बाइक आधी बारिश पड़ने की वजह से। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, माशाल्लाह सब्ज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल हरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं इस नज़ारे को भी। किचन के ऊपर जो हम लोगों ने पिछले व्लॉग्स में गैलरी यानी कि थोड़ी सी साफ़ की थी वो है, और ये गैलरी में आप लोग देख सकते हैं कि नीचे पानी जाता है, वो यहाँ से जाता है गैलरी में जाता है, गैलरी के नीचे है जी किचन, किचन में जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आज लगाएंगे रेत और सीमेंट मिक्स करके यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। यहाँ से कुछ ईंटें भी उखड़ी हुई हैं, ये भी हम लोग सेट कर देंगे ताकि ये पानी दोबारा ना जा सके। बहुत ही ज़्यादा हैवी सुराख हैं, और अब ये देख सकते हैं आप लोग, मैं रेत ले आया हूँ, सीमेंट मेरा अंदर पड़ा हुआ है, वो मैं उसके ऊपर फेंकता हूँ, इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। चल हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल चल। मिक्स करने के लिए सीमेंट बहुत ही कम था, वो इतना नहीं था कि हमारे काम दे सके, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन की दुकान पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम लोग ये सीमेंट पड़ा हुआ है कोई तकरीबन 10 बोरियाँ, ओहो वहाँ पर हम लोगों ने इतना क्या करना है, कोई 2-1 किलो ले लेते हैं हमें, यानी कि वो काफ़ी होगा 2-1 किलो, आई थिंक हाँ 2 किलो काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं वहाँ पर लगेगा, यहाँ से सीमेंट लेते हैं, उसके बाद जल्दी से काम जाकर शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, तो गाइस हम लोग मिक्स करने के बाद फिर इसको वहां पर लगा देंगे, अगर ईंट लगाने की जरूरत हुई तो वहां पर ईंट भी लगा देंगे, लेकिन इसको अगर वैसे लगाने की जरूरत पड़ी वैसे लगा देंगे, अगर ये कम हुआ तो इधर हमारे पास पालतू भी पड़ा हुआ है, हम लोग वो इस्तेमाल कर देंगे। फिलहाल तो इसको हम लोग सेट करते हैं, इसको देखते हैं कि ये मुकम्मल होता है या नहीं होता इससे काम हमारा। तो हम लोगों ने मसाला बनाकर एक बर्तन में डाल दिया ताकि इसको आसानी से हम लोग लगा सकें, और हम लोगों ने बर्तन बिल्कुल फिट कर दिया, अब हम इसको लगाते हैं, तो लगाने की कोशिश करते हैं, हम लोग प्लम्बर तो नहीं है लेकिन, ओहो सॉरी मिस्त्री तो नहीं है लेकिन, इसको हम लोग लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, सही तरीके से लग जाए, ज्वाइंट हो जाए। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे।
तो गाइस हम लोग दुकान पर पहुंचे, यहाँ पर देखा तो बच्चे माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने कितने बच्चे हैं, 28-29 साल की उम्र है और ये लोग जी खेल रहे हैं पिट्ठू ग्राम, इनको हम लोग पंजाबी पिट्ठू ग्राम कहते हैं। ये 4 या 5 होती हैं, इसमें टीपिया से बनी होती है यानी मिट्टी की होती है, जो मिट्टी का बर्तन होता है पानी वाला उसको तोड़ कर बनाते हैं, तो उसको गेंद के साथ तोड़ना होता है, अगर टूट जाए तो जो तोड़ते हैं वो भाग जाते हैं, उन्होंने दोबारा उसको जोड़ना होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक रियल बनावी है, एक छोटी बनावी, ये रियल होनी चाहिए। ये देखिए सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, लाइट नहीं है जिस वजह से ये सारे खेल रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। लड़ाई का तो होना इन गेमों में बहुत ही ज्यादा होता है, लोग इसमें बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं, बच्चे आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं। ए वेखो जी, ये ने साढ़े छोटे छोटे बच्चे वेखो, सारे छोटे छोटे माशाल्लाह। जब लाइट नहीं होती तो ये सब सारी मार्केट वाले इधर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये खेलते हैं पिट्ठू ग्राम, फिर एक दूसरे को कूटते हैं, जब कूटते हैं तो इनकी ढूंगे जो होती हैं वो पाट जाती हैं। कहा कि तू मार ला भाई। तो गाइस हम लोग क्या घर घर हम लोगों ने जोर की नमाज अदा करनी थी, हम लोग पहले नहाए, नहा कर कपड़े वगैरह चेंज किए, चेंज करने के बाद हम लोगों ने जोर की नमाज अदा की, जोर की नमाज अदा करने के बाद हम लोगों जी कुछ टूटी खराब थी वो लेने डाल प्लाट पर चले गए, वहां से टूटी लेकर आए घर, हम लोगों ने ड्यूटी लगा दी और अब हम लोग जी दुकान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मुलाजम का भी रोज़ा नहीं था और बड़े भाई का अली रज़ा का रोज़ा भी नहीं था, इसलिए वो जी खाना खाने के लिए घर जाए गए हुए और हम लोग शॉप पर हैं बिल्कुल टनाटन अकेले। तो गाइज हम लोगों ने अफ्तारी के वक्त की दुकान बंद और दुकान बंद करने के बाद हम लोग घर की जान रवाना हो चुके हैं, अभी तक तकरीबन 20 मिनट पड़े हुए हैं लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हैं, हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि खजूरें हमारे हाथ में हैं, हम लोग जल्दी से घर पहुंचते हैं। दुकान हम लोगों ने कंप्लीट बंद कर दिया, देखेंगे अगर दूध लेने आए तो कुछ वक्त के लिए हम लोग खोल लेंगे लेकिन नहीं,